बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फीस। अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं, कल को अपनी एजुकेशन के बाद इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हरियाणवी गर्ल इन यूरोप में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब एकदम मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो दोस्तों, जब भी कोई स्टूडेंट इंडिया से जर्मनी मूव होने के लिए सोचता है, एजुकेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसके मन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि वो किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, किस कोर्स में अप्लाई करे, वो एडमिशन के लिए कब अप्लाई करना स्टार्ट कर सकता है, या फिर किस टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको स्टार्टिंग में इस चीज़ का पता होना या इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ आज मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। जर्मनी में बेसिकली दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एक होती है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज और दूसरी होती है टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं इन यूनिवर्सिटी में और इनके क्या फीचर्स हैं, और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए ताकि जब भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई करो या फिर जर्मनी में आने के लिए सोचो तो आपको मेन डिफरेंसेस पता हों कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है। आज से 6 साल पहले जब मैं अपनी मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रही थी तो मेरे मन में भी कुछ यही क्वेश्चंस थे कि मुझे किस टाइप की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरी बैचलर्स जो है केमिस्ट्री में थी और मेरा रिसर्च में और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मैंने टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ केमनिट्स में अप्लाई किया और मैंने अपनी मास्टर्स वहाँ से कम्प्लीट की। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली स्टेट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिनके पास अथॉरिटी भी होती है कि मास्टर्स के बाद आप आगे अगर अपनी पीएचडी करना चाहते हो तो वो भी आप रजिस्टर कर सकते हो इन यूनिवर्सिटीज़ में। बेसिकली जब आप मूव होते हो तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर सिस्टम होता है कि आप समर में भी अप्लाई कर सकते हो और विंटर में भी अप्लाई कर सकते हो। ये मेनली डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ विंटर इनटेक लेती हैं और कुछ दोनों लेती हैं, तो ये आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है फ़ीस। तो फ़ीस जर्मनी में वेरी करती है पार्ट टू पार्ट, आप किस रीजन में हो जर्मनी के। तो अगर आप नॉर्थ और ईस्ट रीजन में हो तो वहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ीस या फिर एनरोलमेंट फ़ीस अराउंड 300 यूरो होती है, और अगर आप साउथ और वेस्ट जर्मनी में एजुकेशन लेते हो तो यहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस और एनरोलमेंट फ़ीस अराउंड 1500 यूरो हो जाती है। दोस्तों, जर्मनी में ऑलमोस्ट 110 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का मेनली फोकस होता है कि वो आपको आगे रिसर्च के लिए प्रिपेयर करें। अपनी मास्टर्स के बाद आप अपनी पीएचडी भी कंटिन्यू कर सकते हो, तो आप इंजीनियरिंग से लेके साइंस से लेके और ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स आप किसी भी टाइप की स्टडी में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। लेकिन इनका मेन फोकस यही होता है कि आपको ऑलमोस्ट अपने सब्जेक्ट की अच्छी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, और ये रिकमेंड करते हैं कि आप इंटर्नशिप करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं यहाँ पे, जो कि वाइड रिसर्च करते हैं आपके टॉपिक की, तो आप उनमें भी आगे इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी के फाइनकेन कैंपस में, और पीछे जो वो आप बिल्डिंग देख रहे हो वो मेंसा है। मेंसा मीन्स यूनिवर्सिटी की कैंटीन, और उसमें लोग ज़्यादातर लंच में आके लंच करते हैं। कैफेटेरिया भी है, अगर आपको लाइब्रेरी में पढ़ने का मन नहीं है तो आप कॉफ़ी लेते हुए पढ़ सकते हो। और ये जो है बैठने की प्लेसेस हैं, पीछे अगर आप देख रहे होगे तो लोग जो है घोड़ों पे भी अपनी हॉबी को पूरा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। मैं यहाँ पर बहुत ही रेयरली जाती हूँ दोस्तों, और इसके नीचे जो आपको एक खाली स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो है फूड ट्रक्स होते हैं, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कुजींस के फूड ऑफर करते हैं। ये आपको कभी कभी देखने को मिलते हैं, तो जिसको अगर मेंसा में खाने का मन नहीं है तो वो यहाँ पे भी फूड ट्राई कर सकता है। और फिर जो ये आप पीछे देख रहे हो, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स के इंटरनेशनल डॉर्म्स हैं, जहाँ पे अलग अलग कंट्री के जो है स्टूडेंट्स रहते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कैंपस है, बहुत ही स्पेशियस है, यहाँ पे लोग रनिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इतनी प्यारी प्लेस पे हमने बात की यूनिवर्सिटी के बारे में, और इसी के साथ अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, जिसको हॉकशुले भी बोल दिया जाता है।
अभी मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्टुटगार्ट में, और पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये है हॉक्शुले देयर मीडियन स्टुटगार्ट की। हॉक्शुलेस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक स्टेट एफिलिएटेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। इसका मेन फोकस होता है आपको इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना। तो इनका कोर्स करिकुलम इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप सीधा इंडस्ट्री में जाके काम कर सकते हो। ड्यूरिंग योर स्टडीज़ ऑल्सो आपको ये जो है इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करवाते हैं। डिफरेंट जो सेमिनार्स होते हैं, इंडस्ट्री के जो पार्टनर्स होते हैं वो यहाँ पे आपके लेक्चर हॉल में आके आपको इंडस्ट्री की नॉलेज देते हैं और आपके ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं ताकि आप इंडस्ट्री के लिए बेसिकली प्रिपेयर हो सको। तो दोस्तों, अगर बात करी जाए हॉक्शुलेस में एडमिशन की, तो एडमिशन आप समर और विंटर सेमेस्टर दोनों में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये मेनली डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉक्शुले में अप्लाई कर रहे हो। और अब अगर मैं बात करूँ फ़ीस की, तो फ़ीस मेनली डिपेंड करती है रीजन टू रीजन भी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्मनी में भी। और मेनली जो है फ़ीस हॉक्शुलेस की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं एज़ कम्पेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज के। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे पीएचडी प्लान कर रहे हो या फिर अपनी फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो मोस्टली हॉक्शुलेस के पास जो है एफिलिएशन नहीं होता। प्रोफेसर्स आपको पीएचडी के लिए रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके लिए जो आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ता है और आप वहाँ से अपने आप को पीएचडी स्टूडेंट रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ को कवर करने की पूरी कोशिश की है, और आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी को कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।